बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम दोस्तों को हमेशा खुश रखे, आप तमाम दोस्तों की जायज़ात को पूरा करे। प्यारे भाइयों, आप दोस्तों की काफ़ी जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई ओल्ड शेप में जो है वो टोयोटा GLI हमारे साथ शेयर की जाए, तो आज आपका भाई जो है आपके लिए बहुत ही मुनासिब प्राइज़ में और बहुत ही अच्छी और जेन्युइन हालत में एक GLI लेके आया है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल खटक ब्रदर्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। आज प्यारे दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट पे हमारे सामने मौजूद है टोयोटा करोला GLI का वेरियंट है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है। और ये गाड़ी एक्सटीरियर से आपको वाइट कलर में देखने को मिल जाती है, जो कि टोयोटा कंपनी का जेन्युइन पेंट है। और इस वक्त गाड़ी टोटल सीलों में टोटल जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार देखने को मिल जाती है। गाड़ी के फेंडर्स की बात करें या गाड़ी के पिलर्स की बात करें, किसी किस्म की गाड़ी की एक्सटीरियर से बॉडी पे कोई टचअप्स नहीं है या बॉडी पे किसी किस्म का आपको कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी के माइलेज की तरफ चलें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने पुराने मॉडल में भी ये गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ 55,000 किलोमीटर जेन्युइन माइलेज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट कर चुकी है। ओनर ने इस गाड़ी को बहुत ही केयरफुली ड्राइव किया है, इस गाड़ी की बहुत ही केयर की है, मेंटेनेंस की है, और ये फैमिली यूज्ड कार है तभी माशाल्लाह इतनी अच्छी और साफ़ सुथरी कंडीशन में आपके सामने ये जो गाड़ी है वो मौजूद है। गाड़ी की फ्रंट लाइट्स और इंडिकेटर्स की बात करें तो ये आपको ओल्ड शेप में ही हैलोजिन्स लैम्प्स में देखने को मिल जाते हैं और फॉग लैम्प्स की आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से फॉग लैम्प्स प्री इंस्टॉल्ड नहीं है। गाड़ी की बैक लाइट्स भी सेम आपको हैलोजिन्स में देखने को मिलती हैं और बैक ट्रंक यानी कि डिग्गी की तमाम तर सीलें मुकम्मल हैं। उसी के साथ गाड़ी की अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस गाड़ी में लाहौर सिटी की आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाती है। और अगर गाड़ी की लोकेशन की तरफ चलें तो अगर आप में से कोई दोस्त इस गाड़ी को लेना चाहता है तो आपको फैसलाबाद सिटी जो है वहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा और वहाँ पे ये गाड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी। बेसिकली सेकंड ओनर जो है वो गाड़ी है, किसी किस्म का गाड़ी पे कोई पेंट नहीं है, कोई वर्क रिक्वायर्ड नहीं है और 2011 का मॉडल और 11 की गाड़ी जो है वो लाहौर की रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं ये गाड़ी आप किस तरह जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, तो गाड़ी परचेज़ करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम ID के लिंक पे क्लिक करके आप जो है इजीली अपनी डिमांड बता सकते हैं। और क्योंकि हमने नंबर इसलिए जो है हाइड कर दिए हैं क्योंकि ओनर को फ्री कॉलें जाती हैं, लेने वाला बंदा सीरियस कोई भी नहीं होता, जो सीरियस है वही इंस्टा पे आए, अदरवाइज़ जो है कई दोस्त जो है शौकीन हजरात होते हैं, वो सिर्फ गाड़ियाँ देखते हैं तो वो देखने तक है तो देखने तक ही ठीक है, नहीं तो जिसने इंस्टा पे आना है वो सीरियस बंदा है और अपनी डिमांड और डील बताए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।